हरिद्वार में रुड़की के पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने शराब के नशे में धुत होकर राज्य आंदोलनकारी और उसके साथियों पर पिस्तौल तान दी। करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीडब्ल्यूडी के एक्शन को गिरफ्तार किया और मेडिकल कराया। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी रुड़की के एक्शन सतवीर यादव ने हरिद्वार के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में जमकर हंगामा किया। दारू के नशे में पहले रात को झगड़ा किया, फिर सुबह वहीं पर परचूने की दुकान में केशव देव सोमवाल राज्य आंदोलनकारी को और राहुल नेगी को अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से धमकाया और जान से मारने की धमकी दे डाली। दोनों ने आरोप लगाया कि जान से मारने की नियत से पिस्तौल दिखाई गई है। इन लोगों ने पुलिस में तहरीर दी और मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा लाए गए थे हमारे यहाँ पे मेडिकल जांच कराने के लिए, मेडिकल फिट है या नहीं है। तो वैसे तो मेडिकल फिट है, बट आई थिंक कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था, उसमें क्वेरी में रखा गया है, क्योंकि हमारे पास अल्कोहल की जांच करने के लिए पुलिस रिक्वेस्ट में ही आया था कि हम ब्लड सैंपल लें एंड उसके थ्रू जाँच करें। तो मैंने उसे अंडर क्वेरी में ही रखा है, बाकी वो मेडिकल फिट है। मैं यहाँ से अपना सामने से जा रहा था तो सुबह मेरे को मेरे भाभी जी ने फोन आवाज मार के कहा कि मेरे एक चीनी चाय पत्ती ला दो। मैं चाय पत्ती लेने गया तो चाय पत्ती नहीं मिली, तो मुझे ये बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ मिला एक्शन इनके घर के बाहर। क्या नाम है इनका? ये एक्शन था सतवीर, मुझे नहीं पता पर, लेकिन ये एक्शन था। इन्होंने ये इनके घर के बाहर खड़े मिले। इनके बाद इन्होंने मुझसे, मैंने कहा भाभी जी, तो इन्होंने मुझे गाली गलौज से बात करी, तो अनजाने में मैंने भी समझा कि कौन है ये, मैंने भी इन्हें गाली दोके बात करी। तो फिर भाभी जी इतने में बाहर आके कहते हैं कि ठीक है बेटा भाई, ऐसा है कोई बात नहीं। तो इतने में इन्होंने मेरे साथ पिस्टल निकाल के बदतमीज करनी शुरू कर दी। मोहल्ले में 4-5 लेडीज और खड़ी थी, तो डर के हमारे सब अपने अपने घरों में घुस गए, भाग गए। तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे के अपने दोस्त का घर का सहारा लिया और तब वहां जाके मैंने अपनी जान बचाई। ये पीडब्ल्यूडी के एक्शन के विरुद्ध एक मैटर आया है, उसके मामला हमारे संज्ञान में आया है, इसकी जाँच की जा रही है और जो भी इसमें उपयुक्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो विकास नगर कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी स्थानीय काश्तकारों के लिए वरदान साबित सिद्ध हो रहा है। इस विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो पहले नहीं हुआ था। प्याज की पौध का उत्पादन कर लगभग 9 लाख रुपए का रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाकर कृषकों को उनकी आर्थिकी को बढ़ाने अपनी अहम भूमिका निभाई है। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक से जब जानकारी चाही तो उनका कहना था कि 2 हेक्टेयर में हम प्याज की पौध लगाते हैं जिसमें लगभग 1.5 क्विंटल प्याज की पौध का उत्पादन होता है। इसे हम 60 रुपए की दर से भेजते हैं, 9 लाख की प्याज उत्पादन हुआ है। प्याज की पौध को लेने के लिए जनपद देहरादून के तमाम काश्तकार आ रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी द्वारा अक्टूबर नवम्बर 2018 में लगभग 2 एकड़ में जो 10 बीघे के बराबर है में प्याज की पौधशाला तैयार की गई थी और इसको हम दिसंबर जनवरी में बिक्री कर रहे हैं, दिसंबर से बिक्री कर रहे हैं, लगभग 2 महीने होने वाले हैं और इन 2 महीनों में हम 2 एकड़ प्याज की पौधशाला से लगभग 150 क्विंटल प्याज की पौध की बिक्री कर चुके हैं। तो 150 क्विंटल का मतलब हुआ 9 लाख रुपए, क्योंकि 60 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, 6000 रुपए कुंटल हुआ, तो 6000 रुपए कुंटल के हिसाब से 150 क्विंटल का लगभग 9 लाख रुपए हुआ। तो 9 लाख रुपए में लगभग हम लोगों का जो खर्चा है, बीज का खर्चा है, रसायन का खर्चा है, निराई का है, गुड़ाई का है, सिंचाई का है, इन सभी खर्चों में लगभग 3 लाख रुपए खर्चा आया है और 6 लाख रुपए की शुद्ध बचत है। और इस प्याज की विशेषता यह है, प्याज की जो प्रजाति है एग्री फाउंड लाइट रेड है, इसकी भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है, यानी जब अप्रैल मई के महीने में खुदाई होती है प्याज की तो इसको नॉर्मल तापक्रम पर घरों में किसान 7-8 महीने तक भंडारित कर सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि फरवरी मार्च के महीने में रोपाई के बाद इस प्रजाति के पौधों में फूल नहीं आते, क्योंकि जिन पौधों में फूल आते हैं उसमें नीचे जो है बल्ब नहीं बनता, जमीन के अंदर बल्ब नहीं बनता, उसको बोलते हैं बोल्टिंग। तो इस प्रजाति में जो एग्री फाउंड लाइट रेड है, जिसकी पौध कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी द्वारा सप्लाई की जा रही है किसानों को, इस प्याज की पौध में एग्री फाउंड लाइट रेड में बोल्टिंग की समस्या नहीं आती। तीसरी विशेषता यह है कि इस प्रजाति की पौध मैदानी क्षेत्रों में, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में, देहरादून के पर्वतीय घाटियों में, मध्य हिमालय क्षेत्र में और ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्रों में इसका बराबर परफॉर्मेंस आया है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, सराहनीय परफॉर्मेंस आया है, उत्पादकता बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ से मैं तकरीबन आज जो पौध ले जा रहा हूँ जी, ये 5वीं बार ले जा रहा हूँ जी, 4 एक बार कम से कम पहले भी ले जा चुका हूँ जी। यहाँ के पौध में विशेषता यही है जी कि यहाँ की जो पौध होती है जी, उसमें एक तो फूल नहीं आते हैं जी, और जो नीचे दाना बैठता है वो एक दाना बैठता है, उसके 2 पीस नहीं बनते हैं जी। तीसरी बात यह है कि लंबे समय तक टिकी रहती है, जमती नहीं है जी, और इसके अंदर की जो गुणवत्ता है
वो भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, पैदावार हमारे यहाँ ये पहाड़ में इसकी काफ़ी अच्छी होती है। क्या रेट ले जाते हैं आप प्याज? सर ये 60 रुपये प्रति किलो। सितारगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राइस मिलर से फिरौती मांगने वाले शातिर को पुलिस ने धर दबोचा। पैसे न मिलने पर राइस मिल उड़ाने की धमकी दे रहा था। राइस मिल एसोसिएशन की ओर से बतौर प्रोत्साहन राशि 21,000 रुपए पुलिस टीम को देने की घोषणा भी की गई। सितारगंज स्थित श्री जी एग्रो फूड राइस मिल स्वामी रितेश पुत्र रमेश चंद को फोन पर धमकी दे 10 लाख की फिरौती मांगने वाले शातिर को पुलिस ने सरकड़ा चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त राशिद पुत्र मोहम्मद अहमद लगातार राइस मिल स्वामी को फोन कर धमकी दे रहा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो मिल स्वामी को जान से मार देगा और मानव बम बनाकर राइस मिल को उड़ा देगा। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित की गई जिन्होंने सतर्कता से कार्रवाई करते हुए शातिर अभियुक्त राशिद को धर दबोचा। अंदर भी बोला था कि हम पूरी कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि इस मामले में पूरे राइस मिल में यहाँ जब के लगभग 45-50 राइस मिल हैं सब में ही एक तरीके से भय का वातावरण था जो मिलने से चाहिए। वास्तव में मुझे नहीं मालूम कि वास्तव में कोई एक पुराना कोई ऐसा मुलजिम हो, लेकिन जो इसने हरकत करी उससे पूरे राइस मिल में भय का वातावरण था और उसके लिए हम आप तमाम लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने हमारी बहुत मदद करी। रितेश नाम के राइस मिलर हैं, उनको एक राशिद नाम का व्यक्ति, उनका कोई 55 लाख का कोई पहले मैटर था, उसमें कुछ उनको फ़ायदा कराने के उद्देश्य से उन्हें फ़ोन करके 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था और उन्हें धमका भी रहा था कि यदि आप नहीं दोगे तो मैं मतलब आपके मिल में और आपको मार दूंगा, इस तरह की धमकी भी दे रहा था। तो जिसकी सूचना हमें मिली थी हमने SOG की मदद से और इंस्पेक्टर सितारगंज ने अपनी टीम बनाकर उसको पकड़ लिया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी तो मसूरी बासा घाट के पास एक कार खाई में गिरने की सूचना के बाद पुलिस और ITBP के जवान मौके पर पहुंचे। उक्त क्षेत्र में काफी देर तक सर्च अभियान चलाने के बाद वाहन के आसपास कोई भी नहीं मिला, जिसके बाद ITBP वापस लौट गई, जबकि पुलिस द्वारा अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अंधेरा होने की वजह से पुलिस और ITBP के जवानों को दुर्घटनाग्रस्त कार तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस बारे में जानकारी देते हुए ASI विजय भारती ने बताया कि बासाघाट के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद ITBP और पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त क्षेत्र में संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन वाहन के आसपास मौके पर कोई नहीं मिला, जिसके बाद ITBP की टीम वापस लौट गई, जबकि पुलिस मौके पर सर्च अभियान में जुटी हुई है। रात को 10:30 बजे हमारे को थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन है वो बासागार्ड के निकट गहरी खाई में गिर गया है। इस सूचना पे तुरंत हम फोर्स के साथ बासागार्ड में पहुंचे, जहां पर हमने काफ़ी सर्च अभियान जारी किया और वहां पर एक गाड़ी गिरी थी जिसका नंबर UK07BE5950 था, और परंतु वहां पर किसी चालक या कोई भी सवारी का हमारे को पता नहीं चल पाया था। अंधेरा होने की वजह से हमने अपना अभियान लगभग 3-4 बजे रोक लिया था। उसके बाद सुबह फिर से हमने सर्च अभियान चालू किया, परंतु फिर भी कुछ नहीं पता चल पाया, और उसकी गाड़ी के जो नंबर से हमने उसका घर का पता ट्रेस किया तो वो अब CCR के माध्यम से तो हमें पता चला कि वो जो वाहन स्वामी था जिसका नाम संजय सिंह नेगी था, वो डिफेंस कॉलोनी का रहने वाला है, वो अपने घर सकुशल पहुंच चुका है। दिनेशपुर की बंगाली मोड़ में आदर्श विद्या पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में क्षेत्र के सभी समुदाय के संस्कृति प्रोग्राम को बचाने के उद्देश्य से एक संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बंगाली समाज, पहाड़ी समाज, पूर्वांचल समाज के अलावा बुक्सा जनजाति समाज के कलाकारों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं छात्र भोला घोष ने भारत माता की चित्र बनाकर सभी का दिल जीत लिया, जिसमें दर्शकों ने ताली बजाकर भोला घोष का स्वागत किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के ज्येष्ठ पुत्र अतुल पांडे ने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक कलाकार क्षेत्र में मौजूद है, अच्छे प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण यह कलाकार आगे नहीं बढ़ पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके का कार्यक्रम छठे हुए कलाकारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आदर्श विद्या पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय प्रबंधन को, वहाँ के हमारे बड़े भाई प्रकाश कोशारी जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके विद्यालय को 18 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आगे भी अच्छे तरीके से विद्यालय का कार्य को निर्वहन करें, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि
बच्चे जिस कार्य क्षेत्र में जाएं उनको सफलता मिले। आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था और हमें बहुत अच्छा लगा, हमें डांस करने को मिला और हम बार बार करना चाहते हैं। छोटा सा ग्राम है और बंगाली बोर्ड के नाम से फेमस है ये, इस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में हम देशभक्ति और विभिन्न प्रकार के, चाहे वो हमारे बंगाली समुदाय के कल्चर को शो करता हो या कुमाऊँ क्षेत्र के शो करता हो या फिर राजस्थानी कल्चर को शो करता हो, सभी प्रकार के कल्चर के हम बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को दिखा रहे हैं। हरिद्वार सोमवार की सुबह से चल रही शीतलहर भी श्रद्धालुओं के कदम मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान को नहीं रोक सकी। दरअसल सुबह से ही हर की पौड़ी सहित अन्य घाटों पर स्नान का क्रम शुरू हो गया, जिसमें गंगा स्नान के साथ साथ श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी, मालवीय सुभाष घाट और कुशार वार्त घाट पर यज्ञोपवीत सहित कई संस्कार संपन्न कराए। साथ ही गंगा का अभिषेक करने के बाद गंगा पूजन कर दान पुण्य भी कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के बाद दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। हिंदू शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि माघ महीने में जो साल में एक बार माघ महीने में जो अमावस्या आती है उसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का लाखों गुना फल मिलता है और किसी भी तीर्थ स्थान पर जाके वहाँ स्नान करने से और दान पुण्य से, पूजा पाठ से और पितरों, खास करके जिन लोगों का पितृदोष है, पितृदोष शांति के लिए अपने कुलदेव देवता जो दोष हैं उनके खात्मे के लिए गंगा स्नान बहुत जरूरी है। मौनी अमावस्या, इसका बहुत पवित्र फल मिलता है। गंगा स्नान करने से बहुत, मैं तो इतने साल से यहाँ आई, मुझे सबसे अच्छा स्थान यही गंगा है। आज जो है सोमवती अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, माघ मास में मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आज जो लोग मौन धारण कर करके स्नान करते हैं, सभी को पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मौन धारण करने से, गंगा स्नान करने से कष्टों का निवारण होता है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।